हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के टाइम पे, आज के दौर पे किसी से ये क्वेश्चन करना कि क्या आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं, क्या आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर कोई आजकल एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो आपकी जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी है, सोशल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर आपकी एक्टिविटी हमेशा बनी रहती होगी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गूगल के बारे में। फ्रेंड्स गूगल के बारे में ही क्यों बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स गूगल अपना 21वां जन्मदिन मना रहा है, या जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो मना चुका होगा। तो फ्रेंड्स गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, आप कोई भी क्वारी आपके माइंड में होती है आप वहाँ पे टाइप करते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स गूगल अपना 21वां जन्मदिन मना रहा है और इस खास मौके पे उसने एक डूडल पेश किया है। इस डूडल में फ्रेंड्स गूगल ने अपने 20 साल की जो जर्नी होती है उसको शो किया। फ्रेंड्स इस डूडल में उसने एक पुराने कंप्यूटर के साथ एक माउस और मॉनिटर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। फ्रेंड्स अगर आप गूगल में अभी कुछ भी टाइप करते हो, कुछ भी सर्च करोगे तो उसका जो होम पेज है वहाँ पे आप उस इमेज को, उस फोटो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स 1998 में PhD के दो स्टूडेंट लैरी पेज और सर्जी बैन के दिमाग में एक लार्ज सर्च इंजन बनाने का आइडिया आया था। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज जो है गूगल सर्च इंजन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सबसे पहले गूगल आता है। फ्रेंड्स गूगल पर कुछ भी टाइप करेंगे आपको मैक्सिमम टाइम पे उसका आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स इन दोनों PhD के स्टूडेंट ने उस टाइम पे, उस समय में ये लिखा था कि इस सर्च इंजन का नाम गूगल इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो 10,100 के करीब स्पेलिंग और ये संख्या लार्ज स्केल सर्च इंजन के उद्देश्य को पूरा करती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये जानना जरूरी है कि गूगल अभी कम से कम 100 लैंग्वेज में ऑपरेट करता है। और फ्रेंड्स अक्टूबर 2016 तक गूगल ने 40 देशों में, गूगल के 40 देशों में करीबन 70 ऑफिस हैं। और फ्रेंड्स यही नहीं, फ्रेंड्स गूगल, एप्पल, अमेजोन, फेसबुक के साथ इन बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ शुमार है। फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स गूगल को इंग्लिश डिक्शनरी में भी शामिल किया गया है, जहाँ पे इसका एक मतलब होता है कि इंटरनेट से जानकारी निकालने के लिए गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करना। और फ्रेंड्स अलेक्सा ने google.com को सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली वेबसाइट में रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ये ऐसी बातें थी जो गूगल के बारे में आपको जानना जरूरी है। फ्रेंड्स गूगल एक ऐसा सर्च इंजन जहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे आप अगर कुछ भी सर्च करते हो, फ्रेंड्स ज़्यादातर हमें अगर कोई नॉलेज चाहिए होती है, चाहे वो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, या बहुत सारे कोई भी, अगर आप एक स्टूडेंट हो उसमें कुछ भी सर्च करते हो तो मैक्सिमम टाइम पे आपको आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।